सबसे पहली बात कि बहुत दिनों बाद मैं रवि जी के साथ काम कर रहा हूँ और तीनों कहानियाँ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ है जो कि कॉमेडी फ्लेवर के साथ है, ओम जय जगदीश है जो कि ओम जय जगदीश है जिसमें रवि जी, राजू जी और मैं हूँ। तो तीनों अलग अलग फ्लेवर की फिल्में हैं और मेरे तीनों में किरदार भी डिफरेंट डिफरेंट है। एक में नेता हूँ, एक में पुलिस वाला हूँ, अभी तीसरे में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग और अच्छी कॉमेडी करने का, तो वो प्लानिंग चल रही है। अरे रवि जी तो इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन है। अच्छा। और हम लोग उनको देख कर बड़े हुए हाँ। उनको बहुत देखा है मैंने उनके साथ हेलो इंस्पेक्टर किया था और तब से मैं उनका फैन हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा दिल है उनका। मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से आते हैं, मतलब मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग कलाकार हैं तो कलाकार में उम्र का कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा। तो वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और हमेशा आशीर्वाद रहा है उनका मेरे। फिल्म के डायरेक्टर बहुत ही फास्ट डायरेक्टर हैं और बहुत ही उनका माइंड सेट बहुत क्लियर है और अभी तक तो जितने सीन मैंने उनके साथ किए मुझे बड़ा मजा आया। उन्होंने काफी अच्छा, मतलब मैंने इससे पहले काम नहीं किया था, पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ। सोनालिका प्रसाद करके हैं, प्रीति ध्यानी है और एक संगीता तिवारी। मौका मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ तीनों का अपहरण, मैं यहाँ से लेके सीधा भाग सकता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा मौका लग रहा है मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि दो दो हीरो हैं, दो नहीं है, एक तीसरा हीरो भी है जो हमारी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा। जो बहुत मारेंगे, यहाँ से जाने भी नहीं देंगे, तो वो बहुत जरूरी है। मार खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यही थोड़ा बहुत छेड़खानी करके उनको ही देख के चले। अरे मैंने तुरंत ही रवि जी के साथ काम किया था। मनोज जी के साथ मेरी अगर ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट थी तो रवि जी के साथ विदाई बहुत बड़ी हिट। अब क्या नया करना चाहते हैं आपके? मैं नया क्या सर, ऐसा है कि एक कलाकार कभी की भूख कभी नहीं मिटती है, मेरा ऐसा मानना है। और हम जब हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं तो मुझे लगता है कि मैं 125 किरदार जी सकता हूँ। अच्छा। तो मेरे को भी किरदार में हमेशा कुछ नया करने की आदत है। आप मेरी जितना भी सिनेमा देखेंगे उसमें मैं कुछ अलग करता हूँ, या तो मेरा तकिया कलाम अलग होगा या मेरा जेस्चर अलग होगा, कुछ तो मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता। दोनों बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और दोनों ने, मतलब रवि जी का तो खैर कहना नहीं, और राजू सिंह माही जो है वो अभी जो नए जितने भी कलाकार हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टरों में से हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं नया सिनेमा, अच्छा सिनेमा इंडस्ट्री को देने के लिए, जिससे मुझे लगता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ नया मिलेगा। मैं अक्सर जो विलेन होते हैं वो रियल लाइफ के बहुत अच्छे इंसान होते हैं। मेरे बारे में आपको कभी भी पूरी इंडस्ट्री में रिपोर्ट अच्छी मिलेगी सर, मतलब गजब महारानी है। महारानी और दुनिया के टांग तोड़ती हैं, अपनी टांग तोड़ के बैठी हुई है। वो गलती से गिर गई थी लेकिन अच्छा। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत बेहतरीन सी चाय पिलाई मुझे जो कि हमारे प्रोडक्शन से अच्छी थी। अभी भी इस एज में भी ऐसा लगता है लौंडे टाइप के आदमी है, एकदम छरछरा बदन है उनका, स्लिम ट्रिम फिट है, इसलिए हमारे ओम जय जगदीश में तीसरे हीरो भी। मेरे साथ अजय सूर्यवंशी हैं, एक शुक्ला जी हैं, क्या नाम है उनका, अमित शुक्ला जी हैं। हाँ, अमित शुक्ला अभी नए उभरते हुए विलनों में से हैं, उनकी 7-8 फिल्में अभी रिलीज हुई हैं। और अजय सूर्यवंशी भी बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और वो भी करीबन 20-25 फिल्में कर चुका है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छा काम करेगा। फिल्म का म्यूज़िक और डायरेक्शन, डायरेक्टर बहुत फास्ट हैं, बहुत क्लियर माइंड सेट वाले हैं और म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है। मैं इस म्यूज़िक डायरेक्टर के को मैं पहले नहीं जानता था, मतलब अभी जानने लगा हूँ, तो कुछ नया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि। और साफ़ सुथरी फिल्में हैं तीनों में, कोई किसी भी तरीके की गंदगी नहीं है, जो कि आजकल हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता, भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का जो धब्बा लगा हुआ है वैसा कुछ भी नहीं है। और आप, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये जो बोलने वाले लोग हैं वैसा बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें तीन तरीके का सिनेमा बनता है। एक ए ग्रेड का सिनेमा होता है जिसमें अच्छा सिनेमा बनता है, जिसमें सब्जेक्ट बनता है। एक बी ग्रेड का सिनेमा होता है जिसमें वो कलाकार जो उभर रहे होते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो होते हैं। और एक सी ग्रेड होता है, सी ग्रेड क्या होता है ये सारी इंडस्ट्री को पता है। तो इसमें, इस सिनेमा में कोई अश्लीलता नहीं, किसी भी तरीके का वर्पन नहीं है और मेरी जनता से। भोजपुरी हीरो में नए हीरो में से सिर्फ रितेश देशमुख कह रहा हूँ,
रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी ये रह गए हैं, बाकी तो पवन सिंह, किसारी, राजू सिंह माही, यश मिश्रा, मनोज तिवारी, निरहुआ, मतलब आप जितने भी आए अब तक के, तो मनोज जी से लेकर यश मिश्रा लास्ट कह लो अभी तक, तो सबके साथ काम किया, और सब राजू सिंह माही भी उसमें आते हैं। तो केसारी भाई अपने में एक बहुत बड़ी टीआरपी है और वो हाउसफुल एनर्जी है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, तो वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ अलग ही धमाल करेंगे, मुझे लगता है कि कुछ अलग करेगा वो इंसान, और क्योंकि उस बंदे के पास इतनी एनर्जी है, इतनी नॉलेज है, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इज, मतलब मैं वो उसके अंदर म्यूजिक है, उसके अंदर लिरिक्स है, वो अभिनय को, वो मोशंस को, मतलब हमारी भोजपुरी को कहते हैं कि वो पूरी तरह समझता है वो कलाकार। मैं दिल से बोलूंगा कि भगवान करे वो विनर हो। प्लैनेट भोजपुरी।